पालन के संग गैया चराए, गोपियों के संग रास रचाए। माखन चोर कृष्ण कन्हैया, बड़ा नटखट तेरा लाल ओ मैया। जय श्री कृष्ण। युग आएंगे युग जाएंगे, लोग गाते रहेंगे कृष्णा। मचाओ मुझे, ये चक्र मुझे मार डालेगा। बचाओ मुझे। चक्र? कैसे चक्र? ये चक्र हमें क्यों नहीं दिखाई दे रहे? रोको उसे, अरे मारो उसे, काटो। अरे यशोदा, दोनों लल्ला ठीक तो है? हाँ बहन, प्रभु की कृपा ही समझो, नहीं तो न जाने आज क्या होता। मति भ्रष्ट हो गई है कंस की, बच्चों से बैर कर रहा है, पाप का घड़ा भर गया है इसका। नन बाबा, लेकिन वो दुश्चर्ण और डर किससे रहा था? बाकी सैनिक भी डर के मारे भाग क्यों गए? प्रभु की लीला, प्रभु ही जाने। यशोदा, दोनों लल्ला को काजल का टीका लगा दो। नारायण नारायण, धन्य है प्रभु, आपकी बाल लीला भी अद्भुत है। पराक्रमी, बलशाली, चतुर चाणूर, वो कुल से जान बचाकर भाग आया। सुना आप लोगों ने, महापराक्रमी, महाबलशाली, चतुर, हमारे परम मित्र श्रीमान चाणूर गोकुल से भाग आए। वो भी किससे डर के? एक दूध मुहे बच्चे से डर के। क्षमा करें महाराज, दूध मुहे बच्चे से डर कर नहीं, बल्कि क्या सुदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र? हाँ महाराज, गोकुल में नंद के घर पर उत्सव मनाया जा रहा था,
जब मैंने उनके घर के अंदर प्रवेश किया तो वहां दो नवजात शिशु पालने में झूल रहे थे, और जैसे ही मैं उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ा तो अचानक सुदर्शन चक्र ने मेरा मार्ग रोक दिया। महाराज, मैंने अपने सभी अस्त्र शस्त्रों से उस सुदर्शन चक्र पर प्रहार किया, परंतु वहां जाकर मेरे सभी अस्त्र और शस्त्र नष्ट हो गए। यहां तक कि हमारे सैनिकों ने भी अपने सभी सफल प्रयास किए, लेकिन सभी असफल रहे। महाराज, वो सुदर्शन चक्र मुझे निगलने के लिए मेरी ओर बढ़ रहा था। हमारे सामने अपनी जान बचाकर भागने के अलावा और कोई मार्ग नहीं था महाराज। मोस्टेक, गोकुल में नंद के घर सुदर्शन चक्र का अर्थ, हमारा शत्रु विष्णु नंद के घर में पल रहा है। अर्थात आठवीं संतान, देवकी की आठवीं संतान के लोप होने का रहस्य अब उजागर हुआ। वसुदेव और देवकी की आठवीं संतान गोकुल में नंद के घर पल रही है। अन्यथा उस विष्णु का सुदर्शन चक्र बालक की रक्षा क्यों करता? यही सत्य है महाराज। अर्थात नंद ने हमारे शत्रु को अपने घर पर आश्रय देकर हमारी शक्ति को चुनौती दी है। गोकुल पर आक्रमण करके पूरे गोकुल को नष्ट कर दो। आप धैर्य से काम ले महाराज। उस मायावी विष्णु से टक्कर लेने के लिए हमें भी मायावी शक्तियों का प्रयोग करना चाहिए। आत्य मुष्टिक उचित कह रहे हैं महाराज। विष्णु हमारी सारी सेना को भ्रमित करके आपस में लड़ा लड़ा कर नष्ट कर देगा महाराज। कदाचित आप लोग उचित कह रहे हैं। मायावी शक्तियों का उत्तर हम माया से ही देंगे, परंतु ये कार्य गोकुल जाकर करेगा कौन? कीजिए महाराज, रक्षा 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 कीजिए महाराज, हमारी रक्षा कीजिए महाराज, हमारे बच्चों की रक्षा कीजिए। हम आपकी शरण में हैं महाराज, हमारी रक्षा कीजिए महाराज, हमारी रक्षा कीजिए। चाणूर, कौन है ये सब? महाराज, ये सब ग्वालों की बस्ती के लोग हैं। कौन अत्याचार कर रहा है इन पर? उतना महाराज, उतना आप ही के आदेशों का पालन कर रही है, क्योंकि आप ही ने उसे आदेश दिया था कि जाओ और सारे नवजात शिशुओं को समाप्त कर दो। यदि वसुदेव की आठवीं संतान कहीं छुपी भी होगी तब भी वो मर जाएगी। इसका अर्थ यही हुआ महाराज कि पूतना आप ही के आदेशों का पालन कर रही है। हमने ही पूतना को आदेश दिया था नवजात शिशुओं को मारने का। उतना मायावी राक्षसी है, हमें गर्व है उस पर। हम आपकी शरण में हैं महाराज, हमारी रक्षा कीजिए। जी महाराज। आप सब शांत रहिए। महाराज कंस आप लोगों को आश्वासन देते हैं कि आपकी और आपके बच्चों की रक्षा की जाएगी। अब आप शांत होकर अपने अपने घर जाएं।
कंस की। भूत आया भी भूत कैसे भूल गया मैं उसे, उसकी आवश्यकता तो मुझे अब है। बच्चों का अंत कर दिया है। जानता हूं भूत, और मैं तुम्हारे इस कार्य से प्रसन्न भी हूं। पर पूतना भी संतुष्ट नहीं हुई है महाराज, जब तक आपके काल को मैं काल तक ना पहुंचा दूं, मैं कैसे संतुष्ट हो सकती हूं? पूतना, तुम्हें अब और प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। महाराज, वसुदेव की आठवीं संतान का पता चल गया क्या? हाँ भूतना। महाराज, मुझे बताइए आपका शत्रु कहाँ छिपा बैठा है? भूतना उसे कच्चा चबा जाएगी। मेरा मृत्युदाता गोकुल में नंद बाबा के घर पल रहा है भूतना। देखिए महाराज, उतना गोकुल में क्या करती है? जिस घर में बच्चे के जन्म का उत्सव मनाया जा रहा होगा, वहां अब मृत्यु का उत्सव मनाया जाएगा। अब तुझे तेरे अवतार की मृत्यु का उत्सव। से फिर कोई अतिथि आने वाला है? छोटे, इस बार आने वाला नहीं बल्कि आने वाली है, तो अतिथि का स्वागत सत्कार करना ही होगा। हाँ, किंतु इस बार स्वागत मैं करूँगा। छोटे भाई के रहते हुए बड़े भाई को कष्ट नहीं उठाना चाहिए। त्रेता युग में छोटा बनकर बहुत आदेश सुन चुका हूँ, इस बार बड़ा मैं हूँ, मैं जो कहूँगा तुम्हें सुनना पड़ेगा। वो सब उचित है, किंतु स्वागत तो मैं ही करूँगा अतिथि का। जाओ, जो इच्छा हो करो। भैया, आप तो बुरा मान गए। अरे बाबा, क्या हुआ, क्यों रो रहे? अरे लल्ला, अरे लल्ला।
यशोदा लला को अंदर मत ले जाओ। हाँ यशोदा, लला बाहर ही अधिक सुरक्षित है। अरे तुम लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हो? हम लोग तो गोकुल जा रहे हैं। क्यों भाई? हाँ भाई, भाई हम तो अपने घर जा रहे हैं। देखो मैं नंद बाबा को बता दूंगी। नंद बाबा को बता देंगे? क्या नंद बाबा ने एक और विवाह किया है? धत तेरी की, तुम लोग तो बड़े ही निर्लज हो। अरे मैं मौसी हूँ, मौसी। अरे वाह, नंद बाबा की मौसी और इतनी जवान। अरे मैं नंद बाबा की नहीं, इनके बेटे की मौसी हूँ। अच्छा अब समझा, ये तो यशोदा की बहन है। मैंने तो बता दिया, अब तुम लोग मुझे ये बताओ कि नंद बाबा का घर कौन सा है। अरे तुम यशोदा की बहन हो और नंद बाबा को नहीं पहचानती? लो नंद बाबा सामने ही आ रहे हैं। नमस्कार, कौन है आप? मैंने आपको पहचाना नहीं। इस समय तो मुझे कोई नहीं पहचान सकता, पता तो तब चलेगा जब मैं अपने असली रूप में आऊं। आपने बताया नहीं? नंद बाबा ये आपकी मौसी है। मौसी? मेरी मौसी? बाबा ये ग्वाले भी बड़े निर्लज है, आप इनकी बातों पर ध्यान ना दीजिए। मैं मथुरा से आई हूँ, मुझे वासुदेव देवकी ने भेजा है। वासुदेव ने भेजा है? यादवों के कुल के बच्चों को मैं दूध पिलाती हूँ, इसीलिए गोकुल के बच्चों को भी दूध पिलाने के लिए भेजा है। पर बाबा एक बात का ध्यान रहे, उस पापी कंस के गुप्तचर हर जगह टहलते रहते हैं, इसलिए किसी को भी इस बात की भनक नहीं लगनी चाहिए। आप एकदम निश्चिंत रहिए, मेरे साथ आइए आप। लेकिन आपने मुझे अपना नाम नहीं बताया। मौसी, मुझे सब लोग मौसी कहते हैं। चलिए। यशोदा लगता है लल्ला को भूख लगी है। हाँ लल्ला तो बोल नहीं पाता है तो यशोदा को मम 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 करके बुला रहा है। अतिथि का सम्मान करने लगे? नहीं भैया, मैं तो अतिथि के रंग दिखाने की प्रतीक्षा में हूँ। Yes,
ये तो तुम्हारी मौसी हैं। धन्य है असुरेश्वर कंस, इतने पराक्रमी होते हुए भी इस बच्चे से डर गए, और वो भी जो मुझे देखते ही डर गया। यशोदा, ये मथुरा से आई हैं। हमारे वासुदेव भैया ने इन्हें भेजा है। ये यादव राजाओं के बच्चों को दूध पिलाती हैं। सबकी मौसी हैं ये। मैं समझ गई। ऐसा करती हूँ, रोहिणी दीदी को भी बता देती हूँ। जरा सुनो, देखो रोहिणी दीदी कहाँ हैं? अरे आप संकोच क्यों कर रही हैं? बैठिए ना। लला को मुझे दीजिए, लाइए। लल्ला, तुम्हारी मासी तुम्हें अब दूध पिलाएगी।